नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और अजय भांबी चैनल यानी ABC में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माणिक या रूबी नक की, और रूबी नक किन लोगों को पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए। रूबी जो नग है या माणिक जो नग है, ये सूर्य का नग है, ग्रह सूर्य का नग है। और सूर्य, जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारा जो पूरा सौर मंडल है, ये सन पर ही, सूर्य पर ही निर्धारित है। और पूरा ज्योतिष अगर हम कहें तो सूर्य सिद्धांत ही है। हालांकि हम बात करते हैं चंद्रमा की, चंद्रमा से गणनाएं करते हैं दिन रात की, लेकिन हमारा जो ज्योतिष है वो मूलतः सूर्य सिद्धांत पर ही आधारित है। सूर्य जो है, इसे हम काल पुरुष की आत्मा कहते हैं। काल पुरुष यानी जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, ब्रह्मांड का रचयिता है, क्रिएटर ऑफ ब्रह्मांड काल पुरुष, उसकी आत्मा है सूर्य। और सूर्य से ही आपका व्यक्तित्व मालूम पड़ता है। सूर्य का जो सीधा संबंध होता है ईगो से होता है, और जो भी आपके व्यक्तित्व का विकास है, एक्सटेंशन है, वो ईगो ही है। अहम, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैंने ये किया था, मैं उसको देख लूँगा, मैंने उसको देखा था, मैंने बताया था मैं कौन हूँ, मुझको जानो, मुझको नहीं जानते हो। तो हम सब ऐसे करते हैं, कुछ लोग बड़े खुल के करते हैं, वरना भीतर तो हम ऐसा करते ही हैं। ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल जो बोले मुझे मतलब नहीं, फिर वो महात्मा बुद्धि हो सकता है, आम आदमी तो नहीं होता। हाँ, सूर्य का दूसरा मतलब आत्मा भी होता है, लेकिन जब आत्मा की समझ में आ जाए, आत्मा समझ में आ जाए तो ईगो खत्म, और आत्मा ना समझ में आए तो जन्मों जन्मों तक ईगो का साइकिल चलता रहता है। तो सूर्य का मतलब हुआ आपका फोर्स, एनर्जी, आपकी पावर, आपका कुछ नया करने का जज्बा, बदलने का जज्बा, और उन चुनौतियों को लेने का जज्बा जो आपसे पहले लोगों ने ली नहीं, औरों की हिम्मत नहीं बढ़ी, वो रिकॉर्ड बनाने का जज्बा, जो ऐसे रिकॉर्ड कभी बने नहीं जो सिर्फ आपके नाम से लिखे जाते हैं, ये सूर्य। अकेला सूर्य ही आपको डिफाइन कर देता है कुंडली, किसी ग्रह के देखने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी के कुंडली में सूर्य कोई की प्रॉपर राशि, उसकी डिग्री, उसका नक्षत्र, उसके सब सब नक्षत्र देख लिए जाएं, तो अगर बाकी कुंडली के ग्रह ना भी मालूम हो तो आप बता सकते हैं, उसको जाना जा सकता है कि इस आदमी का एक्सटेंशन कितना होगा, इसके व्यक्तित्व का कितना विकास होगा या कितना नहीं होगा। सूर्य जो है, इसको आत्मकारक बोलते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन मैंने बोला। इम्यून सिस्टम है आपका, रेजिस्टेंस है आपका, धैर्य है आपका, संयम है आपका, बल है आपका, और विपरीत स्थितियों में लड़ने की क्षमता है आपकी। सूर्य से जितने सोपान, जितने एरिया हो सकते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तित्व से लेना देना है। सूर्य के जो मित्र हैं वो बृहस्पति मित्र है, मंगल मित्र है, चंद्रमा ठीक है, बुध मित्र है, शनि और सूर्य की उतनी ही नहीं जमती, शुक्र से नहीं जमती, राहु से भी नहीं जमती। लेकिन सूर्य जो है, हम सब का आधार है। अगर और गहरे में देखें तो हमारी रीढ़ की हड्डी सूर्य है, हमारी स्पाइन सूर्य है। हम बैठते कैसे हैं, खड़े कितने होते हैं, चलते कैसे हैं, ये सब सूर्य है। और सूर्य से जो हमारा इंगला पिंगला का जो संबंध है, इंगला नाड़ी सूर्य की नाड़ी है, राइट नोस्ट्रल सूर्य का नोस्ट्रल है। और ख़ास तौर से अगर आपका लग्न मेष है, सिंह है,
धनु है तो सूर्य आपकी कुंडली में बड़ा भारी रोल अदा करने वाला है, और ऐसे में अगर सूर्य वीक हो, कमज़ोर हो, तो वहाँ पर सूर्य के नग को पहनने की पहली बार ज़रूरत महसूस होती है। और भी लग्नों के लिए पहना जा सकता है, स्कॉर्पियो के लिए पहना जा सकता है, और किसी स्थिति में और भी लग्न के लिए पहना जा सकता है, सबके लिए पहना जा सकता है। अब ये एक बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि नग कब पहनना चाहिए, इस पर बड़ा डिस्प्यूट है, कई तरह के मत हैं। तब पहनना चाहिए जब लग्न से उसका संबंध हो, जैसा मैंने बोला। और एक और ओपिनियन है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, कि दशा के हिसाब से पहनना चाहिए। कुछ लोगों का मत है वीक हो सूर्य कुंडली में तब पहनना चाहिए, और कुछ लोगों का है कि अगर प्रत्यंतर दशा में आए तब पहनना चाहिए। तो बहुत सारे मतैक्य हैं, अलग अलग मत हैं लोगों के, मत भिन्नता है, मतैक्य नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर कमज़ोर है सूर्य और उस कुंडली में सूर्य की उपयोगिता अधिक है, एक कुंडली में सूर्य की उपयोगिता अधिक है और सूर्य उस कुंडली में वीक है, तब उसको पहना जा सकता है। मान लीजिए कन्या लग्न है, 12वें लग्न का स्वामी है, 12वीं राशि का स्वामी है, तो यहाँ पर माणिक पहनने से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। कोई ख़ास स्थिति हो तो अलग बात है, ऐसी स्थिति टॉरस के लिए, वृष के लिए है, तो वहाँ नहीं पहनना चाहिए। खैर, लेकिन कोई भी नग पहनने से पहले उसका पूरा मुआयना होना चाहिए, पूरा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूरा उसके ऊपर विचार होना चाहिए। बिना विचार के नग पहनने के नुकसान होते हैं। जितने भी नग हैं सारे नेचर से आते हैं, प्रकृति से आते हैं, खदानों से आते हैं, खनिज हैं, कई तरह के केमिकल से मिल के बनते हैं। तो रूबी जो है पहले भारतवर्ष में खूब होता था, आजकल थोड़ा इसका उत्पादन कम हो गया है, वो भी इसलिए कि कोई कंज्यूम बहुत हो गया है, इसका इस्तेमाल इतना हुआ कि अब हमको नहीं मिलता। तो बर्मा का रूबी मिलता है, जो भी आजकल मिलना मुश्किल है, श्रीलंका से मिलता है, जिम्बाब्वे से मिलता है, और भी कई सारी जगहें हैं, तो मैक्सिको में मिलता है। अच्छा अगर माणिक हो तो वो आपका भाग्य बदल सकता है। पुराने ज़माने में ऐसा बोलते थे कि माणिक की दलाली में हीरे मिलते थे, यानी माणिक सबसे महंगा नग है। ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि माणिक की दलाली में हीरे मिला करते थे, ऐसा लोग बोलते हैं, पुराने ज़माने के लोग, जबकि हम हीरे को सबसे महंगा मानते हैं। तो वो शुद्ध माणिक की बात है, ऐसा माणिक मिले तो बहुत ही बढ़िया, ना मिले तो कुछ उसका उपाय करना चाहिए। लेकिन नग आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला देते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है रंगों से मिलकर बना है, और जब रंगों की कमी होती है जीवन में तो उस तरह की जो उससे जो रिस्पॉन्ड आने चाहिए हमारे पास नहीं आते। करेज नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, संयम नहीं आता, धैर्य नहीं आता, इनिशिएटिव लेने की ताकत नहीं आती। तो वो सब को करने के लिए इन सब की आवश्यकता होती है। और उसके अलावा हर नग में अपनी एक खास बात होती है, उस ग्रह से उसका एक अटूट संबंध होता है, तो उसके पहनने से जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आता है। ये हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, हमें अवगत कराते रहें, हम जानना चाहते हैं ताकि इसमें हम क्या सुधार करें और कौन कौन से नए प्रोग्राम देके आएं। इसके लिए हमें अब आपके सुझावों की सख्त आवश्यकता है। देखते रहें अजय भांबी चैनल ABC, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर देखें।